बिहार के 31 जिलों के 45 अनुमंडलों में 58 नगर पालिकाओं में नगर निकाय आम चुनाव और उपचुनाव कराए जा रहे हैं। ये मतदान तीसरे चरण के लिए हो रहा है। इसके लिए शुक्रवार सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो गई। नगर निकाय चुनाव में 4,443 उम्मीदवार मैदान में हैं। मतदान के लिए पूरे राज्य में 1600 से ज्यादा मतदान केंद्र बनाए गए हैं। नगर परिषद चुनाव लेके सभी 48 मतदान केंद्र पर स्टैटिक फोर्स की व्यवस्था पर्याप्त SOP के अनुसार किया गया है और सभी मतदान केंद्र पर पेयजल की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है गर्मी के मद्देनजर, और यह सभी जगह मतदान केंद्रों पर फेशियल FRS का पहचान के लिए भी किया गया है, और शांतिपूर्ण चुनाव के लिए जो राज्य निर्वाचन आयोग के गाइडलाइन थे उसके अनुरूप सभी कार्य पूर्ण कर लिए गए हैं। नगर पालिका चुनाव 23 के लेकर के सारी व्यवस्था सुदृढ़ कर दी गई है। 26 वार्ड में 48 बूथ हैं। बूथों पर जो राज्य निर्वाचन आयोग का गाइडलाइन है गाइडलाइन के अनुसार बल की प्रतिनियुक्ति की गई है, दंडाधिकारी पुलिस पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की गई है। इसके बाद कई लेयर हैं जो कि भ्रमणशील रहेंगे और विधि व्यवस्था का संचालन करेंगे। पूरी उम्मीद है कि शांतिपूर्ण एवं भयमुक्त वातावरण में मतदान संपन्न होगा। धन्यवाद। बिहार में इन दिनों भीषण गर्मी पड़ रही है, पारा 40 के पार है। इसके बाद भी लोगों में मतदान के लिए काफी उत्साह नजर आया। सुबह से ही मतदान के लिए लंबी लाइन लगी थी। 31 मुख्य पार्षद, 31 उप मुख्य पार्षद, 31 पार्षद और वार्ड पार्षद के लिए 714 पदों के लिए मतदान किया गया। 3,457 कैंडिडेट्स वार्ड पार्षद पद के लिए मैदान में हैं। इनमें महिला कैंडिडेट्स की संख्या 1,897 है, जबकि पुरुष उम्मीदवार उनसे कम 1,560 है। इधर 423 उम्मीदवार मुख्य पार्षद के लिए, 391 कैंडिडेट्स उप मुख्य पार्षद के लिए मैदान में हैं। गया, पटना, गोपालगंज, सीतामढ़ी, मोतिहारी और बक्सर जिले समेत 31 जिलों में मतदान कराए जा रहे हैं। शुक्रवार को हो रहे मतदान में करीब 12,73,000 से ज्यादा लोग मतदाता अधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। इनमें पुरुष मतदाता की संख्या 6.5 लाख के आसपास है तो महिला वोटर करीब 6 लाख है। वहीं थर्ड जेंडर समुदाय के मतदाताओं की संख्या 63 है। पोलिंग बूथ पर महिलाएं काफी उत्साह में दिखी। हालांकि तेज गर्मी में काफी जगहों पर मतदाताओं ने बद इंतजामी की शिकायत भी की, लेकिन इसके बाद भी वोट देने के लिए लोग बड़ी संख्या में पहुंचे।